الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين نصیب و گوہر کی بات کرو جو خیر چاہو تو خیر بشر کی بات کرو حجر کے روح میں یاقوت کو حجر کہو حجر کے روح میں یاقوت کو حجر کہو بشر کے بھیس میں لا کر بشر کی بات کرو خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ آسانی ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری معین الدین دیلانی ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری معین الدین دیلانی من علينا ربنا إبعاث محمدا أيده بأيدي أيدنا بأحمد أرسله بشرا أرسله مجدا صلوا عليه دائما صلوا عليه سردا صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم سلام وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محبوب مشائخ حضرت مختوم زادہ سید محمود بشرا رفیع دیلانی صاحب زادہ سید صابر اشرف دیلانی حضرت علامہ مولانا حافظ ارشاد حسین صاحب اشرف دامن برکات عطایہ برادر محترم
हर साल की तरह इस साल ये अजीम शान जलसा मुनक्किद हो रहा है। हमारे ये नौजवान बड़े खुलूस और मोहब्बत के साथ हर साल इसका इंतजाम करते हैं, जिसमें जनाब खालिद अशरफ साहब और इनके दीगर साथी शामिल हैं। अल्लाह तबारक तआला इन सब के इल्म में, अमल में, उम्र में बरकतें अता फरमाएं और जिस खुलूस और मोहब्बत के साथ ये जलसे मुनक्किद करते हैं, सरकार दो आलम अलैहि सलाम की जिक्र मुबारक की महफिल से जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाए। कुरान मजीद फरकान हकीम की तीसरे पारे की इब्तिदाई आयत तिलावत करने का शरफ हासिल किया। इरशाद रब्बानी हुआ तिलक सुफत दना बादहुम अला बाबा, ये रसूल हैं जिन्हें हमने बाग को बाग पर फजीलत अता फरमाई। मिनहु मन करम अल्लाह, कोई वो है जिससे अल्लाह ने कलाम फरमाया। वरफा बादहु दरजा, और कोई वो है जिसको सब पर दर्जों बुलंद कर दिया। मुफस्सिर किराम फरमाते हैं कि जिससे अल्लाह ने कलाम फरमाया, इससे मुराद हजरत मूसा अलैहि सलाम, और वरफा बादहु दरजात से मुराद नबी करीम अलैहि सलाम की जाते वाला सिफात। इस कायनात में जितनी चीजें हैं उनका ताल्लुक या तो सुनने से है, या देखने से है, या अगर खाने में है तो चखने से है, या छूने से है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान को पांच कुव्वतें अता फरमाई, जिन्हें हवा से खमसा कहा जाता है। देखने की कुव्वत, सुनने की कुव्वत, सूंघने की कुव्वत, छूने की कुव्वत और चखने की कुव्वत। बाअल्फाज़े दीगर यूं कहा जा सकता है, कुव्वते सामिया, कुव्वते बासिरा, कुव्वते शामा, कुव्वते दामिसा और कुव्वते ज़ाया। ये पांच हवास हर इंसान के पास है, जिनसे वो अशिया का इल्म हासिल करता है, उसका इदराक करता है। अगर ये चीजें ना हो तो हम उन अशिया के इल्म को हासिल नहीं कर सकते। अगर आवाज है तो सुनकर उसका इल्म हासिल कर लिया। अगर ये चीज इसका ताल्लुक देखने से है तो कुव्वते बासिरा यानी आंख से देखकर उसका इल्म हासिल कर लिया। चीज नरम है या सख्त है, कुव्वते दामिसा छूकर उसका इल्म हासिल कर लिया। और किसी खुशबू या बदबू किसी चीज में है तो कुव्वते शामा यानी सूंघकर उसका इल्म हासिल कर लिया। और अगर उसका ताल्लुक जायके से है या चखने से, कितनी कड़वी है, मीठी है, कैसी है, तो कुव्वते जायका चखकर उसका इल्म हासिल कर लिया। ये पांच हवास हर इंसान के पास है, और याद रखिए यही पांच हवास अल्लाह ने अंबियाए किराम अलैहि सलाम को भी अता फरमाए। जो पांच कुव्वतें हमारे पास हैं, पांच हवास हवास खमसा से नहीं कहते हैं, यही हवास से खमसा अंबियाए किराम अलैहि सलाम को भी अता फरमाए, वो भी इन अशिया का इल्म हासिल करके। लेकिन याद रखिए हमारे इन पांच
बगान में जिनसे हम अशिया का इल्म हासिल करते हैं और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के इन हवासे-हमजा में जमीन आसमान का फर्क जमीन आसमान का फर्क है। जिस तरह हम हासिल करते हैं ऐसे वो नहीं करते। हम हासिल करें तो हमारा इसे सिर्फ जमीन तक महदूद है और अल्लाह के अंबिया का इन आसमानों का इल्म वो रखते हैं और उससे ऊपर का भी फितरत और तहा से आगे का भी रखते हैं। और याद रखिए जिस तरह हमारे ये हवासे हमसा में और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के इन हवासे हमसा में जमीन आसमान का फर्क है, इसी तरह अंबिया इकराम के इन हवासे हमसा में और सैयदुल अंबिया जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन हवासे हमसा में जमीन आसमान का फर्क है। अब जरा सा तवज्जो दीजिए तो मैं आपके सामने ये मिसाल बयान करूं तो बात आपकी आ जाए। सबसे पहले हम लेते हैं कुव्वत सामिया, सुनने की कुव्वत। सुनने की कुव्वत किसी आवाज को उसका इहसास से करना है, हम सुनकर उसका इहसास करना है। हम भी सुनते हैं और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम भी सुनते हैं, लेकिन हमारा सुनने में और उनके सुनने में जमीन आसमान का फर्क है। हमारी समाज चंद गज दूर जाकर जवाब दे जाए, किसी की समाज बहुत तेज है तो कहे मैं भी दूर सुन सकता हूं, उसके बाद जाकर के समाज खत्म और कोई आला लगा ले तो उससे दूर कहीं ना कहीं जाकर उसकी इंतहा हो जाए, कहीं ना कहीं जाकर उसकी इंतहा हो जाए। कोई ऐसा नहीं कि जो भी कहे कि मैं इस समाज से जमीन आसमान और हर चीज की आवाजों को मैं सुन। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जा रहा है, आप अपनी शान के साथ गुजर रहे हैं। कुरान मजीद फरमान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू व नवाब इस वाक्य को बयान फरमा रहा है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ गुजर रहे हैं और जमीन पर चींटियां चल रही हैं। अब चींटी कितनी मामूली सी चीज है, हकीर क्या है, एक मामूली सा अदद ना जानवर हशरात कभी कभी तो हमें नजर भी नहीं आती। गौर से आप देखें अगर एक आदमी तेज में गुजर जाए तो उसको पता भी नहीं चलता। कुरान में कहते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन जब जलालहू व नवाब इरशाद फरमाता है जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर गुजर रहा था तो चींटियों की जो सरदार चींटी थी उसने अपनी तमाम चींटियों को बुलाया आवाज दी। कुरान कहता है उसने कहा या अय्युह हननन उदखिलू मसाकिनन लायतमन सुलेमान व जनूदहु, ए चींटियों अपने महलों में दाखिल हो जाओ कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान का लश्कर तुम्हें रौंद डाले। हजरत सुलेमान अलैहि सलाम और उनका लश्कर तुम्हें रौंद ना डाले अपने महलों में दाखिल हो जाओ। चींटी की आवाज को अल्लाह के नबी ने सुन लिया। बताओ चींटी की आवाज सुन सकता था? कभी आपने चींटी की आवाज सुनी? हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने 3 मील दूर से चींटी की आवाज को सुन ली। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं और कुरान कहते हैं जब उन्होंने सुना फतबस्सम दाहिकन उन्होंने उसकी आवाज को सुनकर मुस्कुरा दिए कि देखो किस तरह की अपनी चींटियों को मेरे लश्कर से और मुझसे बचा रहे हैं। 3 मील दूर से सुन लिया, हम चींटी को उठाकर कान में भी रखें तो आवाज न सुने और अल्लाह का नबी 3 मील दूर से सुन रहा। फर्क है क्या? नहीं, समान हमारे पास भी है, समान अल्लाह के नबी के पास भी है, लेकिन सुनने में जमीन आसमान का फर्क है। अब ये तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की समान थी, अब सुनो अपने आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समान। सरकार मेराज पर तशरीफ ले गए और जब आप तशरीफ लाए आका रसूलुल्लाह ने फरमाया बिलाल
मैंने जन्नत में अपने आगे तुम्हारे चलने की आवाज को सुना, तुम्हारे चलने की आवाज को सुना। अब उलमाए किराम ने इस पर प्रस्तुत करते हुए लिखा कि यहाँ पर दो चीजें हैं, या तो तुम ये कहो कि सरकार द्वारा सलाम आसमानों पर से जन्नत में और बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला मक्के में चल रहे थे, बिलाल मक्के में चल रहे हैं, सरकार ने आसमानों पर जन्नत में उनके चलने की आवाज सुन ली। अगर फिर कहो तब भी सरकार की अजमत साबित होगी, और अगर फिर कहो कि जब कयामत में हिसाब किताब हो जाएगा, जन्नत की जन्नत में और जहन्नम की जहन्नम में पहुंच जाएंगे, सरकार द्वारा हमारे सलातो सलाम जन्नत में होंगे, बिलाल हकीकी जन्नत में होंगे, वो चलेंगे, उनके चलने से जो आवाज पैदा होगी, सरकार ने उस पैदा होने वाली आवाज को अभी से सुन लिया, जो आवाज पैदा नहीं हुई उसको सुन लिया। अगर फिर कहो तब भी मेरे आका की अजमत साबित होती है, और अगर ये बात मानो कि बिलाल मक्के में चल रहे हैं, आका ने आसमानों पर सुन लिया, तब भी मेरे रसूल की अजमत साबित होती है। ये है समात जाते पाक मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी चीज जो मैं पहले एक पिछले हफ्ते पे जो जलसा हुआ उसमें बयान कर करता हूं, सरकार ने फरमाया मेरा उम्मती इस कायनात के किसी खिते से मुझ पर दूर पड़ता है, मैं सुनता भी हूं और जवाब भी देता हूं, सुनता भी हूं और जवाब भी देता हूं। अब बताओ दूर पड़ने वाले कितने हैं, कोई शुमार है? पूरी दुनिया में पूरी कायनात में मुसलमान, दुनिया के जपे जपे पर मुसलमान, दुनिया के कोने कोने में मुसलमान, और हर जगह सरकार द्वारा मेरे सलातो सलाम पर दुरूद पढ़ा जा रहा है। और सरकार फरमाते हैं जहां से भी जिस वक्त भी जिस जगह में भी मुझ पर दुरूद पढ़ता है, मैं सुनता भी हूं और जवाब भी देता हूं। सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम ने सुना तो सरकार से एक सवाल करके गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी वहाबी, हुजूर हमारे बाबा सरकार आप अपनी हयात में सुनते हैं, क्या विसाल के बाद भी सुनेंगे? आप फरमा रहे हैं मैं सुनता हूं, तो क्या आप अपने विसाल के बाद भी सुनेंगे? फरमाया विसाल के बाद इसी तरह से सुनूंगा जिस तरह आज अपनी हयात में सुनता हूं। विसाल के बाद भी इसी तरह से सुनूंगा जिस तरह आज अपनी हयात में सुन रहा हूं, इसीलिए हां मेरे सुन्नत वल जमात का ये ईमान है, यकीन कामिल है कि हम जिस वक्त भी जहां भी जिस जमाने में भी सरकार द्वारा हमारे सलातो सलाम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते हैं, आप सुनते भी हैं और अपनी शान के मुताबिक जवाब भी अता करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये समात अता फरमाई है। अच्छा एक और बात है, एक हदीस में तो फरमाया मैं सुनता हूं और जवाब भी देता हूं, बात तो जो है ना इनकार करते कि नहीं सुनते। अच्छा एक दूसरी हदीस सरकार ने फरमाया एक फरिश्ता अल्लाह ने मेरे रोजे पर पलट कर दिया, और उस फरिश्ते को ये समाती है कि पूरी दुनिया में दुरूद पढ़ने वालों के दुरूद को सुनता है और मेरी बारगाह में पेश कर देता है, सुनता है और पेश कर देता है। तो क्या करेंगे? हाँ फरिश्ता तो सुनता है। हमने कहा जब फरिश्ता सुनता है तो बताओ फरिश्ता अफजल है या नबी? फरिश्ता अफजल है या नबी? अरे फरिश्ते की समात को मान रहे हो और नबी की समात को नहीं मान रहे हैं, बेवकूफी की इंतहा। फरिश्ता भी सुनता है, सरकार खुद भी सुनते हैं, फिर एक और सुनता है। अब उनका अच्छा अगर तुम ये कहते हो कि सरकार द्वारा हमारे सलातो सलाम सुनते हैं तो फिर फरिश्ते की क्या जरूरत? सरकार ने फरमाया ना मैं सुनता हूं, मैं सुनता भी हूं और जवाब भी देता हूं। और दूसरी हदीस के अंदर फरमाया कि फरिश्ता सुनता है और सबके दुरूदों को जमा करके मेरी बारगाह में पेश करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फना में फना ने आप पर दुरूद पढ़ा है, कबूल फरमाना।
तो वो कहते थे कि हम सुनते हैं तो फरिश्ते की क्या जरूरत है। और ये समय है जब सरकार सुन रहे हैं तो फरिश्ते की क्या जरूरत है। हमने कहा कि बताओ अल्लाह सुनता है या नहीं, अल्लाह सुनता है ना, अल्लाह ताला अगर कहे पे शहादा है जो हो चुका है जानता है, जो हो रहा है जानता है, जो आइंदा होने वाला है जानता है, जो हम सोच चुके हैं जानता है, जो इस वक्त सोच रहे हैं जानता है, जो आइंदा सोचने वाले हैं वो भी जानता है। अल्लाह सुनता है या नहीं, अल्लाह देखता है या नहीं, फिर ये दो फरिश्ते क्यों बिठाए हैं, दो फरिश्ते क्यों बिठाए हैं, कहते हैं इसमें अल्लाह की मदद है, अल्लाह की हिम्मत है। हमने कहा उसमें भी नबी की मदद है, वो खुद सुनता है फिर फरिश्ते बिठाते हैं, रसूल खुद सुनते हैं फिर फरिश्ता को मुकर्रर कर दिया मेरे रसूल की अजमत और शान को जाहिर करने के लिए, ये बताने के लिए देखो कि जब उस दरगे गुलाम की समात का ये हाल है तो आका की समात का क्या हाल है। फरिश्ते तो गुलाम है ना, सरकार के दरबार का दरबान है, दरबार की समात ये है, पूरी कायनात में दुरूद पढ़ने वाले ने दुरूद को सुन रहा है और पेश कर रहा है। तो जब उसकी समात ये है तो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समात क्या है, तो हम भी सुनते हैं, नबी सुनता है, हमारी समात में और नबी समात में जमीन आसमान का फर्क है, इसी तरह नबी की समात में और सैयदुल अंबिया की समात में भी फर्क है। सुलेमान अलैहि सलाम ने तीन दूर से सुन लिया और मेरे रसूल ने पूरी कायनात से सुन ली। अब आओ देखो कुव्वत शामा, सूंघने की कुव्वत थोड़ी सी कम होती है बनिस्बत देखने की और सुनने की कुव्वत से। अब देखिए आप दूर की आवाज सुन लेते हैं, दूर तक देख लेते हैं, लेकिन दूर तक सूंघ नहीं सकते, दूर तक सूंघ नहीं सकते। कोई आदमी ऐसा हो जिसकी कुव्वत शामा बहुत ज्यादा हो तब वो सूंघ सकता, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता कि आप अपने घर में मौजूद हो और दूसरे इलाके में कोई खुशबू या बदबू हो तो आप उसको सूंघ ले, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो हो सकता है कि पड़ोस में कोई खाना पक रहा हो तो आपने सूंघ लिया कि हाँ ये फला चीज पक रही है, ऐसा तो हो सकता है ना, या एक कमरे में है तो दूसरे कमरे में खुशबू को सूंघ लिया, या एक घर में है तो उसी घर में खुशबू या बदबू सूंघ लिया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप फिरदौस कॉलोनी में हैं और नाजमाबाद की खुशबू को आपने सूंघ लिया, वहां तो कोई खुशबू बदबू उसको सूंघ लिया, ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी हमें सुनने के लिए उस चीज को नाक के करीब लाना पड़ता था, ये हमारी कुव्वत शामा है। अब देखो नबी की कुव्वत शामा क्या, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन वाकया बयान फरमा रहे हैं, हजरत सैयदना यूसुफ अलैहि सलाम जब उनको पता चला, भाइयों ने कहा बाप की बिनाई आपके गम में रोते रोते चली गई, हजरत याकूब अलैहि सलाम आपके गम में रोते रोते नाबीना हो गए, आंखों की बिनाई चली गई, तो हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, मेरा ये कुर्ता या मेरे कमीज ये तुम ले जाओ और जब वहां पहुंचना तो मेरे बाप के चेहरे पर डाल देना, उनकी बिनाई वापस आ जाए। उन्होंने कहा ठीक है, वो हजरत यूसुफ अलैहि सलाम की कमीज लेकर चले, अभी मीलों दूर हैं, अभी वहां से चले हैं और इधर हजरत याकूब अलैहि सलाम फरमा रहे हैं अपने बेटों से, अपने घर वालों से, इन्हीं लाजी की रही है यूसुफ, मुझे अपने बेटे यूसुफ की खुशबू आ रही है, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही है। उन्होंने कहा यूसुफ की खुशबू, अरे यूसुफ को मरे हुए तो अरसा हो चुका, उसे तो भेड़िया खा चुका, वो तो खत्म हो गया, अब कहां से खुशबू। फरमाया नहीं, इन्नी लाजी दुरी है यूसुफ लौला तो फरने दो, मुझे अपने बेटे यूसुफ की खुशबू आ रही है, अगर तुझे बहका हुआ ना समझो। घर वाले बड़े हैरान, क्या बात कर रहे हैं,
अभी वो कमीज लेकर चले हैं, अल्लाह के नबी ने सैकड़ों मील दूर से खुशबू को सुन लिया। याकूब अलैहिस्सलाम ने खुशबू को सुन लिया और हुआ क्या, जब वो भाई वो कमीज लेकर घर में दाखिल हुए और वो अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डाली, हजरत यूसुफ की कमीज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डालते ही उनकी बिनाई आ गई, उनकी आंखें रोशन हो गई। अब वो समझ गए वाकई हमारा बाप तो सही कहता था, ये खुशबू इसी कुर्ते की आ रही है। इन्हीं लाजुक किया यूसुफ जो फरमाया था सही फरमाया था, उसी वक्त भी नहीं आवाज आ गई। ये किसकी कुव्वत शामा है, ये नबी की कुव्वत शामा है। अब आओ देखो नबियों के सरदार की कुव्वत शामा, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की कुव्वत शामा देख ली, सैकड़ों मील दूर से यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू को सुन लिया। अब सुनो अपने आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान। सरकार फरमाते हैं जिब्रील सिदरा से चलने का इरादा करते हैं, मैं खुशबू सूंघ लेता हूं। वो सिदरा से चलने का इरादा करते हैं, मैं खुशबू को सूंघ लेता हूं। बताओ सिदरा कहां पर है? सिदरतुल मुंतहा जमीन पर है, किसी इलाके में है? नहीं, आसमानों से आगे है। सिदरतुल मुंतहा हजरत जिब्रील चलने का इरादा फरमा रहे हैं, आका फरमाते हैं उनकी खुशबू को सुन लेते। ये शान है नबी पाक अलैहिस्सलाम की, तो हम भी सुनते हैं, अल्लाह का नबी भी सुनता है, लेकिन दोनों की कुव्वत शामा में जमीन आसमान का फर्क। हम भी देखते हैं, अल्लाह का नबी भी देखता है, लेकिन हमारा देखना कैसे है? जिधर हमारा चेहरा हो हम वहीं देखते हैं, उसके पीछे तो नहीं देख सकते। हम आपका चेहरा मेरी तरफ है, आपके पीछे क्या हो रहा है आपको पता था? नहीं पता था। मेरा चेहरा आपकी तरफ, मेरे पीछे क्या हो रहा है? नहीं पता। क्यों? जिधर चेहरा होगा जिधर आंखें होंगी वहीं इंसान देखेगा। ऐसा नहीं कि आंखें आगे हैं देख पीछे, ऐसा नहीं हो सकता। जिधर चेहरा वहीं, और आका तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है, सरकार इमाम फरमा रहे हैं, तमाम सहाबा मुक्तदी बने हुए हैं। सरकार ने नमाज मुकम्मल की, फरमाया इन रुकू व सुजूद का फरमाया इन्नी लराकुम, अपने रुकू और सुजूद को दुरुस्त कर लो, खुदा की कसम मैं जैसे आगे देखता हूं ऐसे पीछे भी देखता हूं। जैसे आगे देखता हूं ऐसे पीछे भी देखता हूं, क्या मतलब कि मन समझना कि मैं सिर्फ आगे ही देख रहा हूं, मैं जिस तरह आगे देखता हूं ऐसे पीछे भी देखता हूं। और एक बार कहां पर फरमाया, मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देखते, मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुनते। अब देखिए जन्नत कहां है, जन्नत कहां है बताइए? जमीन पर है? नहीं, 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 नहीं। किसी ने देखी है जन्नत? देखिए तो आप नहीं देखेंगे। अच्छा देखना चाहते हो? देखने भी जाते हो? देखने नहीं जाते? अरे तो फिर बोलो ना देखना चाहते हो? ये महफिल किसी से तो सजाई है और किसी से सजाई है? इंशाअल्लाह देखिए हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, खुदा खालिक के जन्नत है, मेरा रसूल मालिक के जन्नत। सरकार ने बशारत दी है या नहीं? सिद्दीक अकबर के लिए जन्नत की बशारत है, फारूक आजम के लिए जन्नत की बशारत है, उस्मान बिन उफान के लिए जन्नत की बशारत है, अली खैबर चिकन के लिए जन्नत की बशारत है, अब्दुल रहमान बिन औफ के लिए जन्नत की बशारत है, हजरत तलहा के लिए जन्नत की बशारत है, हजरत जुबैर के लिए जन्नत की बशारत है। जन्नत आखिरत में है, सरकार दुनिया में तकसीम फरमा रही है। क्यों? बताना चाहते हैं देखो खुदा खालिक की जन्नत है और मैं मालिक के जन्नत। तो जन्नत आखिरत में है और सरकार ने क्या फरमाया, मैं जन्नत को देख रहा हूं। हादे कौसर कयामत में होगा, एक हदीस शरीफ में फरमाया मैं तुम्हारा पेशरा हूं,
और अपने हौज को यहीं से देख रहा है। सरकार द्वारा नजर आता तो सलाम की शान। हम कोई पोशीदा चीज हमसे पोशीदा रह सकती है, लेकिन अल्लाह के हबीब नजर आता तो सलाम से पोशीदा नहीं रह सकते। एक जंग में हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त तक जो मुसलमान नहीं हुए थे कैदियों की सूरत में आए और कैदियों से फितिया लेकर उन्हें आजाद किया जा रहा था। मुसलमानों ने कहा फितिया दे दे, उन्होंने कहा मेरे पास कुछ नहीं है। सलाम के पास मामला आया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते मेरे पास कुछ नहीं, मेरे घर में भी कुछ नहीं। जंग में आने से पहले हजरत अब्बास ने छुपकर बिल्कुल अलहदगी में तन्हाई में अपनी ज़ौजे मोहतरमा को कुछ सोने ईंटें कुछ चीजें दे दी, किसी को नहीं पता हजरत अब्बास या उनकी अहलिया मोहतरमा, और तीसरा कोई नहीं था। अब जाहिर है जब तीसरा कोई ना हो तो किसी को पता कैसे से। तो जब ये इनसे फितिया तलब किया गया और इनको बताया गया जिज़िया, तो कहा मेरे पास तो कुछ नहीं, मेरे घर में कुछ नहीं। तो सरकार ने फरमाया चाचा आप जो तन्हाई में छुपकर वो सोने की ईंटें वो चीजें अपनी अहलिया मोहतरमा को दे रहा है वो नहीं है। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु सुनकर हैरान रह गए, उनके जिस्म पर कपकपी तारीफ हो गई। जनाबे हजरत अब्बास पे राशा हो गया तारी के पैगंबर तो रखता है खबरदारी। ख्याल आया मिसर सा नेको बद पहचान जाते मोहम्मद आदमी के दिल दिल बातें जान जाते हैं। मोहम्मद आदमी के दिल दिल बातें जान जाते हैं। हैरान हो गए अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने कैसे देख लिया, कैसे समझ पता ही चला अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक अलैहि सलाम को ये इज्जत ये अजमत ये रिफत ये बुलंदी ये मकाम अता फरमाया है कि सरकार को जो चीज हम नहीं देखते हुजूर देखते हैं, जो हम नहीं सुनते वो सरकार सुनते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये मकाम अता फरमाया। तो ये हवास सुनने की कुव्वत देखने की कुव्वत चखने की कुव्वत छूने की कुव्वत ये तमाम चीजें ये हमारे पास भी हैं, अल्लाह के नबी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के पास भी हैं और नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी हैं, मगर तमाम कुव्वतों में और हमारे पास जो कुव्वतें हैं उनमें जमीन आसमान का फर्क, जमीन आसमान का फर्क। सरकार इरामत फरमा रहे हैं, तमाम सहाबा पीछे मुक्त बने हैं। नमाज के दौरान अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम दो कदम आगे बढ़े नमाज की हालत और अपना दस्ते मुबारक आगे बढ़ाया, जैसे किसी चीज को पकड़ना चाहते हो तोड़ना चाहते हो। सहाबा हैरान हुए, नमाज मुकम्मल हुई, अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने ऐसी बात देखी कि इससे पहले नहीं देखी। नमाज की हालत में आप दो कदम आगे बढ़े, दस्ते मुबारक आगे बढ़ाया, फिर हाथ खींच दिया और अपने मकाम पर आ गए। आका ए जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो मुझ पर जन्नत पेश गई, नमाज की हालत में मुझ पर जन्नत पेश गई, मैंने जन्नत में अंगूर के खोशे को देखा, मैं एक कदम आगे बढ़ा अपना हाथ बढ़ाया कि अंगूर का खोशा तोड़ूं और फिर मैंने कुछ सोचकर उसे छोड़ दिया। अगर मैं उस खोशे को तोड़ लेता तो कयामत तक खाते रहते तो खत्म नहीं होता, कयामत तक खाते रहते खत्म नहीं होता। नबी की शान तो ये है, अरे जन्नत तो क्या जन्नत तो हुजूर की बारगाह में पेश की जा रही है, जन्नत तो पेश की जा रही है।
वो है मालिक जन्नत और अल्लाह तबारक व तआला खालिक जन्नत। कुरान ने कहा वरफा बाबहु दरजा, कोई वो है जिसको हमने सब पर दर्जो बुलंद कर दिया। मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया जिसको सब पर दर्जो बुलंद किया जाते पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। तो अब आपने समझ लिया कि नबी हमारे जैसे नहीं और ना हम नबी जैसे। वो बेमिसाल खुदा के बेमिसाल नबी, वो लाजवाब खुदा के लाजवाब नबी, वो बेमिसाल खुदा बेनबी खुदा के बेनबी नबी। ना खुदाई में उसका जवाब है और ना रिसालत में इनका जवाब। वो अपनी खुदाई में बेमिसाल है और मेरे रसूल अपनी रिसालत में बेमिसाल। अल्लाह तबारक व तआला ने ना उनसे पहले ऐसी जात बनाई ना उनके बाप को ऐसी जात। इसीलिए हम उलमा ने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर फख्र करते हैं कि अल्लाह ने हमें सरकार की उम्मत में रखा। और सरकार फरमाते हैं सुनो, मेरी उम्मत मुझ पर पेश की जाती है। हजरत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु अन्हु से शरीयत के रावी फरमाते हैं रोजाना मेरी उम्मत मुझ पर पेश की जाती है। खुदा की कसम मैं उनके चेहरों से भी जानता हूं, उनके नामों से भी जानता हूं। समझ गए? सरकार चेहरों से भी पहचानते हैं, नामों से भी पहचानते हैं। इसी अकीले पर कायम दाइम रहो, जहां भी रहो, जिस मकाम पर भी रहो और जिस वक्त भी जाओ, आका की बारगाह में खड़े होकर सलातो सलाम का निगरान पेश कर। और इस यकीन के साथ कि नबी पाक रे सलातो व सलाम सुन भी रहे हैं और अपनी शान के मुताबिक जवाब भी अता करते हैं। आखिरी बात करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूं। हमारे मुल्क के मशहूर मारूफ नाथ जनाब बिहार बाबू साहब की तशरीफ ले आए हैं। बार-बार खड़ी देख रहे हैं कि हम मुझे पता नहीं क्या टाइम दिया गया था, लेकिन बाहर मोबाइल के लिए फोन भी बराबर आ रहे हैं, घड़ी देख रहे हैं और मैं भी इनको देख रहा हूं। इसीलिए मैं आखिरी बात करके अपने गुफ्तगू को खत्म करूंगा। एक बड़ी प्यारी हदीस मेरे ज़हन में आई जो मैं चाहता हूं कि आपको सुनाना ताकि आपका ईमान ताजा हो। फजीलत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में कुरान ने कहा वरफा बाबहु दरजा, जिसको हमने सब पर दर्ज बुलंद कर दिया। आका जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लेकुले नबीयिन दावतुन मुस्तजाबतुन, अल्लाह ने हर नबी को एक दुआ ऐसी दी जिसका कबूल होना यकीनी था। कबूल होना यकीनी, नबी तो हर कोई कबूल, लेकिन अल्लाह की तरफ से हर नबी को एक दुआ ऐसी गई जिसका कबूल होना यकीनी था। सरकार फरमाते हैं फताअज्जल कुल नबी दावतहु, हर नबी ने अपनी उस दुआ को इस दुनिया ही में मांग लिया। समझ गए? जिस दुआ का कबूल होना यकीनी था, हर नबी ने उस दुआ के मांगने में जल्दी की और इसी दुनिया में मांग लिया। लेकिन मैंने क्या किया? कुर्बान जाओ अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर किसी से कहा जाए कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई, सबसे पहले मालूम दौलत मांगेगा, कोई मनसब मांगेगा, कोई मर्तबा मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा। कुर्बान हो जाओ उस नबी पर जिसने अपनी दुआ को मांगा नहीं हमारे लिए, हम गुलामों के लिए बचा के रख लिया। सरकार ने कहा फताअज्जल कुल नबी दावतहु, हर नबी ने अपनी दुआ के मांगने में जल्दी दी, लेकिन मैंने क्या किया? वही अख्तबत दावती शफात अली उम्मती यौम कियामत, मैंने अपनी उस दुआ को मांगा नहीं था कि रख दिया कयामत के दिन के लिए अपनी उम्मत की शफात के दिन। सहारा बन गया, हम गुनाहगारों को सहारा बन गया, या रसूल
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपनी दुआ को बचा कर रख दिया, हमें उम्मीद कभी हो गई आप दुआ मांगेंगे अल्लाह कबूल फरमाएगा, सबकी बख्शीश हो जाए, सबकी शफाअत हो जाए। ये शान है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसीलिए हम सरकार की सरकार के जिक्र मुबारक की महफिल सजाते हैं, इसीलिए कि हम जानते हैं जहां जिक्र रसूल है वहीं रहमतों का नुज़ूल है, जहां जिक्र रसूल है वहीं रहमतों का नुज़ूल है, बरकतों का हुसूल है। अरे ये जिक्र करना हमारे बुजुर्गों का हुसूल है, क्योंकि यही जिक्र कबूल है, वरना जिंदगी फजूल है। जिंदगी फजूल है, जिंदगी में क्या है? क्या नमाज रोजा ज़कात अल्लाह की बारगाह में पेश कर सकते हो? नहीं, अल्लाह की बारगाह में ये कह सकते हैं मौला ना नमाज है ना रोजा है ना हज है ना ज़कात है, ये सारे अमल एक तरफ हैं, पता नहीं कबूल करता है या रियाकारी है कि रद्द कर दिए जाए। हां नामे अमान में तेरे रसूल का जिक्र मुबारक है, उनकी मोहब्बत और कभी उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब पाक साहिब दौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में इंशाअल्लाह तआला जरूर कबूल फरमाएगा और हम सब गुनाहगारों की बख्शीश फरमाएगा। आखिर में मैं फिर इन तमाम नौजवानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ये हक में दुआ को कि इन्होंने रमजान मुबारक के इस मुकद्दस और बाबरकत महीने में इतनी शानदार महफिल सजाई। अल्लाह तबारक व तआला इन सब के इल्म में अमल में उम्र में बरकत अता फरमाए और जिस खुलूस और मोहब्बत के साथ हर साल ये महफिल सजाते हैं इसका इहतमाम करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको अपनी बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाए। वा आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।